काशीपुर में जीबी पंत इंटर कॉलेज के 8वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। ये घटना 14 नवंबर यानी कि चिल्ड्रंस डे की बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने छात्र के साथ मारपीट की है और उसकी हत्या की है। दरअसल मोक्ष नाम का छात्र 14 नवंबर को सुबह घर से खिलखिलाता हुआ स्कूल के लिए निकला। उसके पिता का कहना है कि स्कूल की तरफ से 12:20 पर उन्हें फोन आया कि उनका छात्र बेहोश हो गया है, उनका बेटा जो है वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया है। पिता तुरंत आनंद फानंद में स्कूल पहुंचे तो पाया कि मोक्ष एक बेंच पर लेटा हुआ था। उसके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। ऐसा मोक्ष के पिता का कहना है। उनका कहना है कि मोक्ष की उंगलियां टूटी हुई थी, उसकी आंख के नीचे नीला निशान, छाती पर पाइप के निशान और होंठ सूखे पड़े थे। जब वो स्कूल पहुंचे तो मोक्ष नीला पड़ चुका था और उसकी सांसें थम चुकी थी। डॉक्टर्स के मुताबिक मोक्ष की मौत 2 से 2.5 घंटे पहले हो चुकी थी। इसी को लेकर मोक्ष के पिता ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि स्कूल ने मोक्ष की बेहोशी की खबर काफी देर बाद दी थी, जिसके चलते मोक्ष की मौत हो गई। वहीं इस मामले को लेकर जब मीडिया ने स्कूल प्रिंसिपल से बात की तो उनका कहना है कि चिल्ड्रंस डे के मौके पर मिड डे मील की खास व्यवस्था स्कूल में की गई थी और मोक्ष भी मिड डे मील एंजॉय करने के लिए लाइन में लगा हुआ था। इस दौरान मोक्ष को चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत इस बात की जानकारी मोक्ष के परिजनों को दी गई और जब शिक्षक मोक्ष को उठाने उसके नजदीक गए तो देखा मोक्ष के मुंह से झाग निकल रही है। जैसे ही मोक्ष को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो तुरंत मोक्ष के पिता वहां पहुंच गए और मोक्ष को अपने साथ अस्पताल ले गए। ये बयान है स्कूल के प्रिंसिपल का। अब ये दो बयान आमने सामने हैं, दो पक्ष आमने सामने हैं और दो अलग अलग बयान सामने आए हैं। अब इस घटना की असलियत क्या है ये तो काशीपुर पुलिस ही पता लगा पाएगी, लेकिन अगर परिजनों का आरोप सच है तो स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पुलिस इस मामले में गंभीरता से जुट गई है और अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया गया है।